2014 में एक 12 साल का लड़का जिसका नाम है निकोलाय क्रैगलेचेन्को, मैं इसका लास्ट नेम फिर से नहीं लेने वाला, वो स्कूल से घर आ रहा था। तब वो एक पोल के सहारे इस पोज में खड़ा हुआ अपने एक बुक को निकालने के लिए। वो जो स्ट्रीट लैंप पोल था वो अनफॉर्चुनेटली फॉल्टी था और इसलिए बहुत जोर से उन्हें बिजली का झटका लगा। फिर वही टिपिकल हॉस्पिटल में ले जाना, उसे होश में लाना और उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब हुआ। पर जब वो हॉस्पिटल बेड से छूटा, तब जब उसने पहली बार एक चम्मच को उठाया, वो उसके चमड़े से छूट ही नहीं रही थी। फिर कुछ ऐसा सीन दिखा, मतलब ज्यादातर चीजें, इवन स्टील की चीजें, इनके शरीर से चिपक जा रही थी। पर जैसा कि आप जानते हो, आपका चम्मच जो कि स्टेनलेस स्टील का बना है, उसमें कुछ मात्रा में लोहा यानी आयरन होता है। आयरन और क्रोमियम मिला के स्टील बनता है और शायद इसलिए लोहे की चीजों के साथ साथ स्टेनलेस स्टील भी इनके शरीर में चिपक जा रही थी। जब इस लड़के की कहानी पॉपुलर होना शुरू हुआ, तब बड़े बड़े न्यूज कंपनीज जैसे डेली मेल और बीबीसी ने भी इस लड़के के बारे में रिपोर्ट किया। साइंटिस्ट ने इनके शरीर को स्टडी करना चाहा, पर कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिक्यूट होने से, बिजली की शॉक लगने से किसी को सुपर पावर थोड़ी ना मिलता है। नॉर्मल इंसान की तो मौत हो जाएगी, एक सेकंड में वो मर जाएगा। पर कुछ अननोन रीजंस के चलते इन्हें किसी तरह से मैग्नेटिक शक्तियां मिल गई। निकोलाय ने ये कहा कि कुदरत ने जो इन्हें गिफ्ट दिया है, वो इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं।